कपूर खानदान के लिए बीता साल दुखों से भरा रहा। जहां पहले ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर गए, वहीं उनके बाद छोटे भाई राजीव कपूर का भी निधन हुआ। 25 अगस्त को राजीव कपूर का जन्मदिन होता है। इस साल उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी है। राज कपूर और कृष्णा कपूर के सबसे छोटे बेटे थे राजीव कपूर। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर उनके बड़े भाई थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव कपूर के अपने पिता राज कपूर से ज्यादा बनती नहीं थी। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव और उनके बीच अनबन रहा करती थी। चलिए बताते हैं आज आपको ये पूरा किस्सा। दरअसल राज कपूर और राजीव कपूर के बीच एक फिल्म की वजह से अनबन होनी शुरू हुई थी। राज कपूर के बेटे राजीव कपूर ने साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से राज कपूर से उनके रिश्ते खराब हो गए थे। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सक्सेस का सारा क्रेडिट मंदाकिनी के झरने वाले सीन और राज कपूर को मिल गया था। इस फिल्म से मंदाकिनी खूब फेमस हुई, लेकिन राजीव कपूर वहीं के वहीं रह गए। कहते हैं कि यही फिल्म कपूर खानदान में कलह का कारण भी बनी। यही वजह थी कि राजीव अपनी इस नाकामी के पीछे का जिम्मेदार अपने पिता राज कपूर को मानने लगे थे, जिसके चलते वो उनसे नाराज रहने लगे थे। यहाँ तक कि राज कपूर ने उनसे वादा किया था कि वो राजीव कपूर को लेकर एक लीड रोल वाली फिल्म भी बनाएंगे, लेकिन ना तो ये फिल्म बन सकी और ना ही राजीव के लीड रोल का सपना पूरा हुआ। राजीव कपूर को इस बात से काफी चोट पहुंची थी कि राज कपूर का बेटा होने के बावजूद लोग सिर्फ एक फिल्म से उन्हें याद रखते हैं। वो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। राजीव कपूर अपने पिता से इतने नाराज थे कि उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार तक में नहीं गए थे। यही नहीं, कपूर परिवार से अलग वो 3 दिन तक शराब के नशे में चूर रहे। इस तरह से राजीव की राज कपूर से नाराजगी जीवन भर रही। इसके बाद उन्होंने एक जान है हम, जबरदस्त, हम तो चले परदेस, लवर बॉय, जिम्मेदार जैसी फिल्में की थी। राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर और बड़े भाई ऋषि कपूर की तरह सफल नहीं हो सके। उन्होंने बॉलीवुड की 14 फिल्मों में काम किया, लेकिन सिर्फ राम तेरी गंगा मैली के अलावा उनकी कोई फिल्म नहीं चली। राजीव कपूर न केवल एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। राजीव कपूर की निजी जिंदगी भी बहुत सफल नहीं रही। साल 2001 में उन्होंने आरती सभरवाल से शादी की थी, लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। तब से वो अकेले रह रहे थे। इसके बाद दिव्या रानी, नगमा और कई एक्ट्रेसेस के साथ राजीव कपूर का नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन सबको केवल अफवाह करार दिया। हालांकि इस साल 9 फरवरी को राजीव उर्फ चिंपू का निधन हो गया। पिछले 2 साल में कपूर खानदान के 4 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। साल 2018 में कृष्णा कपूर का निधन हुआ, वहीं साल 2020 में रितु कपूर नंदा और ऋषि कपूर गुजर गए, और फिर राजीव उर्फ चिंपू कपूर भी 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।